क्या है स्थिति, क्यों कांग्रेस के विधायकों को भेजा जा रहा है? अब देखिए, माननीय विधायक साथी अगर एक साथ बैठ के कहीं चर्चा करते हैं, देश और प्रदेश के जो वर्तमान के माहौल है इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और दूसरा जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा खरीद फरोख से लेके जिस तरह की कोशिश की जा रही है, आपने देखा होगा दूसरे राज्यों में भी इस तरह के घटनाक्रम घटित हुए हैं और लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। ये हम जानते हैं कि हमारा प्रत्येक विधायक सजग है, जो अभी यहाँ नहीं है वो भी सजग है, कोई नहीं जाने वाला। जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा, जिस दिन इस्तीफा ऐसे पेपर में आ जाने से थोड़ी होता है, इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष के सामने जब चर्चा होगी वो चर्चा करेंगे। कोई दबाव भी तो हो सकता है, अभी क्या किसी के कोई दबाव कोई ना? अब ये तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का काम है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, पर जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत ही सारी प्रक्रियाएं हो रही है। फ्लोर टेस्ट होगा जिस दिन विधानसभा में बहुमत साबित करने की बात आएगी। कांग्रेस सरकार ने पहले भी बहुमत साबित करके बताया, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, इस बार भी वही स्थिति पैदा होगी। बीजेपी के भी लोग संपर्क में हैं स्वाभाविक रूप से, नंबर्स को लेकर कॉन्फिडेंट है 100%। लेकिन सर 22 जो बेंगलुरु में है उनसे कोई संपर्क हो पाया है? सब आ जाएंगे, चिंता न करिए। और भाजपा के लोग भी संपर्क में है सर? चलिए। निर्दलीय जो आपके साथ थे वो आपके साथ हैं सर? निर्दलीय जो साथ में थे वो हैं? फ्लोर टेस्ट का इंतजार करिए आप लोग।